ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 462 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जाना है। इसको लेकर स्टेशन कैंपस के बाहर स्टेशन बजरिया में बनी दुकानों को हटाना है। इसके लिए रेलवे की टीम लाभ लश्कर के साथ बजरिया में बने होटल रेस्टोरेंट को तोड़ने के लिए पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया, जहां व्यापारियों ने बिना नोटिस के कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की है। तो इस दौरान व्यापारी पक्ष और रेलवे पक्ष के वकील में तीखी बहस भी देखने को मिली। व्यापारियों ने कहा कि तोड़ने से पहले कम से कम 7 दिन का लीगल नोटिस मिलना चाहिए, लेकिन रेलवे की ओर से ऐसा नहीं किया गया। जबकि रेलवे के वकील ने कहा कि नियमानुसार कोर्ट से स्टे मिलने की सूचना उनके पास नहीं है, यही कारण है कि कार्रवाई की जानी है। हालांकि व्यापारियों के हंगामे और लीगल नोटिस न होने की स्थिति में रेलवे की टीम वापस लौट गई, तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। आपको बता दें कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का विस्तार होना है और स्टेशन की ऐतिहासिक विरासत को सहेजते हुए आधुनिक निर्माण करना है, यही कारण कि स्टेशन बजरिया सहित आसपास के अन्य इलाकों को खाली कराना है। विवाद ये है कि हमने एक न्यायालय में, सिविल न्यायालय में एक सूट लगाया था जिसमें हमें स्टे मिल गया है, उसके बावजूद ये इलीगल तरीके से इसका वो तोड़ रहे हैं। क्या बातचीत रही आपने? बातचीत ये रही है कि इनका ये कहना है कि एविक्शन का उनने वो आदेश पारित कर दिया, उसकी हमें अभी तक कोई कॉपी भी नहीं मिली है, ना उसकी कोई एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करी आज, फिर भी उस बिना नोटिस दिए आज मतलब होटल को तोड़ने आ गए। नहीं तोड़ा तो जा ही नहीं सकता ना, पहली बात तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा, उस ड्यूरेशन में हम जो कर सकते हैं वो कार्रवाई करेंगे।